गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे एक और वीडियो में। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अजमेर रामगढ़ सब्जी मंडी और आज आपको बताएंगे सब्जियों का भाव। और देखिए दोस्तों अभी क्या है कि थोड़ा मिर्ची में आज तेजी रही है क्योंकि मिर्ची क्या है कि आज मंडी में कम है। बताएंगे मिर्ची, टमाटर, बैंगन और जो भी सब्जियाँ अवेलेबल है मंडी में आज सभी का भाव बताएंगे आपको, तो बने रहिएगा वीडियो में। और आज तारीख होगी 5 अक्टूबर 2024। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो फटाफट से जाइए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ जिसके अंदर मैं सब्जियों से जुड़े भाव बताता रहता हूँ। दोस्तों देखिए मैं आज आपको बता देता हूँ भिंडी का भाव। और ये देख सकते हैं ये भिंडी की आज की कुछ क्वालिटी रही है। और अभी क्या है भिंडी में थोड़ा तेजी आई है क्योंकि अब क्या है कि थोड़ा माल आना कम हो गया भिंडी में। ये देख सकते हैं ये कुछ भिंडी की भैया क्वालिटी रही है। तो बता देते हैं आज आपको क्या कुछ भाव रहा है भिंडी का। नमस्कार जी भैया। नमस्ते भैया। तो भैया आज भिंडी की क्या पोजीशन रही है? भिंडी भैया बंदी निकली है 25 रुपए किलो होलसेल रेट। तो भैया भिंडी में भी तेजी कैसे आ गई इतनी? भैया माल कम हो गया, ठंडक के चलते रहते हैं, मौसम ठंडा हो गया इसलिए माल कम हो गया। और अभी कितने दिन और आएगी भिंडी? भिंडी अभी आएगी भैया दिवाली तक, आराम से दिवाली तक चलेगी, दिवाली बाद कम हो जाए। तो दिवाली तक क्या भाव जा सकता है भिंडी का? वैसे दिवाली तक का भैया भाव आराम से 30-35 तक आराम से जा सकता है। 30-35 देखिए होलसेल रेट जा सकता है भिंडी का दिवाली तक, क्योंकि अब क्या है भिंडी थोड़ी कम हो गई आना भी, और जो क्या है क्वालिटी भी धीरे धीरे क्या है भिंडी की इतनी बढ़िया नहीं आएगी, पकने लग जाएगी जल्दी जल्दी, बड़ी हो जाएगी। तो ये आज की कुछ भिंडी की रेट रही है। ये भिंडी अभी कौन से कहाँ की आ रही है? कानपुरा दोरा तभी जी यहाँ की आ रही है, अभी यहाँ की लोकल ही है, बाहर का नहीं आ रहा भैया, बाहर का बंद हो चुका। अभी देखिए लोकल ही आ रहा है, जब लोकल बंद हो जाएगा तो बाहर का चालू हो जाएगा, जिसके अंदर ये अहमदाबाद गुजरात साइड की भिंडी आने लग जाती है। तो ये देख सकते हैं ये कुछ भिंडी की क्वालिटी रही है। ये सेल कैसी है अभी भिंडी में? सेल अभी तेज है भैया, अभी थोड़ा उठाव हुआ है, उठाव है, सुबह सुबह लोडिंग में ज्यादा उठाव रहता है। तो देखिए अभी भिंडी की थोड़ी क्या माल भी कम हुआ, तो इस वजह से क्या थोड़ी सेल भी सही हुई है भिंडी की, और क्या है कि थोड़ा माल भी बिकना लगा, क्योंकि तो पहले बीच में काफी ज्यादा भिंडी आने की वजह से क्या थोड़ा सेल कम हो गई थी। तो ये आज की कुछ भिंडी की रेट चली है। और इधर देखिए मैं बता देता हूँ आपको, बैंगन बढ़िया बैंगन है, देखिए अच्छी क्वालिटी में। बैंगन का रेट चली भैया? बढ़िया वाले बैंगन 35-40 रुपए किलो निकल रहे हैं बंदे, 35-40 रुपए किलो। कितना माल है भैया बैंगन में अभी? बैंगन में भैया बहुत है, गाड़ी है आगे लगी हुई है, इधर आपको बहुत जगह मिल जाएगा बैंगन है। तो अभी जो बैंगन आ रहा भैया लोकल ही है या बाहर का भी आ रहा कुछ? नहीं भैया बैंगन अभी यहाँ का लोकल ही है, लोकल ही चल रहा है। हाँ भैया लोकल ही है, लोकल ही आ रहा माल। और 30-35 रुपए किलो का भाव रहा बैंगन का, और ये देख सकते हैं कुछ क्वालिटी है। तो ये आज का बैंगन की रेट रही है भैया। अभी बैंगन में भी क्या है थोड़ी रेटें कम हुई है, देखिये मैं बता देता हूँ क्वालिटी आपको एक बार बैंगन में। ये देखिए छोटे साइज में बैंगन, और ये कुछ क्वालिटी रही है। तो बैंगन का भाव चला 30-35 रुपए किलो का, तो ये आज का बैंगन का रेट है। खीरे का भाव, और अभी क्या है खीरे में थोड़ी तेजी आई है, तो बताएंगे आज आपको क्या कुछ भाव रहा खीरा। और ये देख सकते हैं ये कुछ क्वालिटी रही है खीरा की। जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब। तो आज खीरा की क्या पोजीशन है? खीरा सर अभी आज बिक रहा 30 रुपए किलो, और इससे बढ़िया माल हो तो 32-33 रुपए किलो। तो मतलब देखिए क्वालिटी थोड़ी हल्की है, 30-35 रुपए किलो तक चला जैसा कि आप देख रहे हैं इधर, ये 30 रुपए किलो माल है ये देखिए। और इससे बढ़िया क्वालिटी में ग्रीन माल रहा जो 35-32 रुपए किलो तक चला ये देखिए। तो ये कुछ खीरा की कंडीशन रही है। अच्छा वो खीरा कितना रहा आज मंडी में? खीरा आज तो कम था इस वजह से ये भाव है, नहीं तो कल परसों 24-25 रुपए किलो बिका है। अच्छा, और जो अभी खीरा आ रहा कहाँ का आ रहा है? खीरा ये सब ग्रीन हाउस आ रहा है, पुष्कर साइड का, पुष्कर साइड का चल रहा है, बड़ी गाड़ी का। अच्छा, और इसके अलावा और कोई बाहर का? बाहर का नहीं, अभी लोकल ये भैया पुष्कर साइड का आ रहा। और ये देख सकते हैं आज क्या थोड़ा माल शॉर्ट रहा, और इस वजह से क्या थोड़ी खीरा में रेट तेज रही है। और ये देख सकते हैं स्वीट कॉर्न ग्रीन माल बढ़िया। अच्छा स्वीट कॉर्न क्या रेट रहा? स्वीट कॉर्न 25 रुपीज, ये 25 रुपए किलो भैया स्वीट कॉर्न का रेट चला है। और अभी क्या है थोड़ा रेटे हैं तेज, क्योंकि क्या थोड़ा माल भी कम हो गया है ना। अच्छा कितना आ रहा है अभी स्वीट कॉर्न में माल? स्वीट कॉर्न अभी कम है, कम ही आ रहा है। और कहाँ का है ये स्वीट कॉर्न? यार ये वाला तो किशनगढ़ का है। अच्छा, वैसे भी वो इधर से आता है पुष्कर साइड का, पुष्कर साइड से। देखिए वैसे भी किशनगढ़ का रहा और वैसे पुष्कर साइड का भी आ रहा। तो ये आज का कुछ भाव चला है स्वीट कॉर्न का। और देख सकते हैं धनिया, धनिया का मैं बता देता हूँ। वैसे धनिया का रेट रहा?
धनिया 60 रुपए किलो। देखिए भैया धनिया 60 रुपए किलो है, धनिया में थोड़ी रेट हुई है अभी कम, कि क्या धनिया बढ़ने लगा, काफी लोकल चल रहा धनिया और बढ़िया आ रहा, तो ये आज की धनिया की रेट थी, तो ये आज का कुछ भाव है। दोस्तों देखिए मैं बता देता हूँ आज आपको तुरई का भाव, और तुरई देख सकते हैं ये कुछ क्वालिटी रही है तुरई में, ये देख लीजिए। तो अभी क्या है तुरई भी भैया देखिए थोड़ी कमी आ रही है, लोकल कम है, थोड़ी बाहर की भी आ रही है अभी, तो बताएंगे आज आपको क्या कुछ भाव रहा है। और इधर देख सकते भैया बैंगन, बैंगन है 2 नंबर क्वालिटी में, ये देख सकते हैं। और ये इधर देख लीजिए बढ़िया क्वालिटी के अंदर बैंगन, तो बताते हैं आज इसका क्या कुछ भाव रहा भैया। आज बैंगन का क्या रेट चला? बैंगन 30 रुपए किलो से 40-50 रुपए किलो, 30 से 50 रुपए किलो तक। देखिए जो भैया बढ़िया माल है जैसा कि आपको मैंने अभी दिखाया, ये 50 रुपए किलो तक है, और जो 2 नंबर माल देख रहे हैं ये 30 रुपए किलो है, ये कुछ क्वालिटी रही है। भैया कहाँ का आ रहा अभी बैंगन ये अपना? बैंगन कोटा के सर। अच्छा कितना माल है आज मंडी में? आज करीबन 12-15 पोट है यार। 12-15 पोट रही है, तो अभी ज्यादातर लोकल ही आ रहा है? ज्यादा लोकल ही आ रहा है, तो बाहर का थोड़े ना आ रहा अभी? नहीं नहीं बाहर से नहीं आ रहा है, लोकल चल रहा। और लौकी का क्या रेट रहा आज? लौकी 20 से 22 रुपए किलो। देखिए भैया लौकी 20 से 22 रुपए किलो रही है, ये कुछ लौकी की क्वालिटी देख सकते हैं आप, ये देखिए जो बढ़िया माल है 22-25 रुपए किलो तक है, और जो 2 नंबर माल रहा है वो 20-15 रुपए किलो चला है, ये देख सकते हैं। भैया लौकी में भी बाहर की भी आ रही है क्या? ये लौकी बाहर से ही है। अच्छा बाहर की कहाँ की आ रही है? ये सापरा कोटपुतली। अच्छा और गुजरात वाला माल रहा? गुजरात वाला नहीं अभी, अभी गुजरात वाला माल नहीं है। कितना माल है आज मंडी में लौकी में? आज मंडी में 3 गाड़ी है, पिकअप 3 पिकअप रही है। और अभी उठाओ के साथ भाव? नहीं उठाओ के साथ उठाओ तो अभी मध्य चल रही है ना, अभी ये आप 8-10 चले बची है उठने के माल, कमी अभी थोड़ी सेल नहीं है। अभी देखिए नवरात्रा होने की वजह से क्या थोड़ी सेल कम चल रही है, नवरात्र नवरात्रा की वजह से सेल कम है। अच्छा और गवारफली का रेट चलिए? गवारफली 30 रुपए किलो। देखिए भैया गवारफली में भी अभी थोड़ी गिरावट आई है, 50 रुपए किलो, ये देख सकते हैं गवारफली 30 रुपए, बढ़िया बढ़िया माल बारीक गवारफली आ रही है 40 रुपए किलो तक चलिए। और जो बाकड़ी फली है, बाकड़ी फली 50 रुपए किलो। देखिए दोस्तों बाकड़ी फली का जो रेट चला है 50 रुपए किलो चल रहा है, देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ बाकड़ी फली क्वालिटी रही है, और भाव जो चला है 50 रुपए किलो थोक का भाव रहा, देख सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं तोरई, तोरई है जो भैया अभी 30 से 40 रुपए किलो तक का भाव रहा, ये देख सकते हैं ये कुछ क्वालिटी है। और जो अभी आ रही है तुरई गुजरात वाली भी आ रही है, गुजरात वाली जो तुरई रही है आज 40-45 रुपए किलो तक चली है, तो ये आज की तुरई का कुछ रेट रहा। दोस्तों देखिए आज मैं आपको बता देता हूँ काचरे का भाव, और अभी क्या काचरों में चल रही है थोड़ी तेजी, क्योंकि काचरे के आगे काफी आ रहे हैं मंडी में, लेकिन क्या है क्या जो बढ़िया क्वालिटी में है वो थोड़े कम ही है, जैसे आप देख सकते हैं अभी पके हुए काचरे हैं तो इनकी क्या थोड़ी रेट ज्यादा है, और जो कच्चा माल है कच्चा माल अभी क्या थोड़ा ज्यादा हो रहा है, जो हरे काचरे हैं तो उनकी थोड़ी रेटे कम है, और बाकी इनकी क्या रेटे थोड़ी तेज चल रही है, तो बताते हैं आज आप क्या भाव बिक रहे हैं आज काचरे? 20 रुपए किलो। काचरे 20 रुपए किलो है, तो वैसे वो भी कहाँ से ला रहे हो आप काचरे? काचरे मोहम्मी से है। मोहम्मी? अच्छा कितना किलोमीटर पड़ता है अजमेर से? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर पड़ता है, तो भैया अभी काचरे में कैसी कमाई वमाई कैसी मिल रही है आपको? नहीं बढ़िया है कमाई, अभी बढ़िया चल रहा है भाव, सब बढ़िया है। अच्छा तो आपने अभी काचरे कितने बीघा में भाई काचरे? 1 बीघा काचरा है। 1 बीघा काचरा में इसमें क्या कुछ लागत लगी काचरों में? इसमें कुछ लागत नहीं है, बरसात ज्यादा नहीं आनी चाहिए, ज्यादा बरसात में खराब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बाकी कोई दवाई वही ज्यादा नहीं, दवाई की कुछ जरूरत नहीं है, कोई छोटी मोटी एक स्प्रे कर दो इसमें। अच्छा बाकी कोई समस्या नहीं है। तो फिर कितना ला रहा हूँ माल मंडी में आप? यही 10-12 नंग। 10-12 नग ला रहा हूँ, देख सकते हैं 10-12 नग है, और 20 रुपए किलो का इनका आपके काचरों का भाव चला है। तो अभी वैसा कितना कमा लिया आपने इसे काचरों में? हाँ जी कितनी कमाई कर ली काचरों में? कमाई तो ये देख लो 40-50 हजार रूपए, 40-50 हजार रूपए कमा लिए, तो देख सकते हैं वैसे काचरों में क्या है, लागत क्या है कम लगती है इसमें, ज्यादा कुछ मेंटेनेंस नहीं है, तो इस वजह से क्या अच्छी कमाई मिल जाती है, ज्यादा दवाई वगैरह का इसमें रहता नहीं है छाटने करने का। इसका काचरे का क्या है कि देखिए 20-25 रुपए किलो तक चला है, जो बढ़िया से बढ़िया काचरा आ रहा, तो ये तो आज के काचरे की रेट रही है।
तो देखिए एक मिनट बता दो दोस्तों, आपको फूल गोभी का भी ये देख सकते हैं, फूल गोभी कुछ क्वालिटी रही है। क्या भाव बेच रहे हो? 45-50 रुपए किलो फूल गोभी दे रहे। 45-50 है तो भैया आज कितना लेके आए हो फूल गोभी में? आप फूल गोभी की थैली हमारा है 50 नंग। 50 नंग? 50 के कैरेट? नहीं, नंग थैली। अच्छा, 50 थैली ला रहे हो तो इसमें कैसी कमाई मिल रही है फूल गोभी में? फूल गोभी में बढ़िया कमाई है। वही समस्या है कि बरसात ज्यादा नहीं आनी चाहिए इसमें भी। अच्छा, बरसात आने से ये पत्ते खराब हो जाते हैं। इसमें फूल गोभी में लागत कैसी लगती है? जैसे अगर 1 बीघा में बहुत हो, 1 बीघा के अंदर 120 ग्राम की बीज लगता है। हाँ। फिर दवाई ववाई खाद की 1 ट्रॉली खाद की चाहिए इसमें, गोबर की। मतलब 10,000 रूपए पहले चाहिए। 10,000 रूपए? 10-12 हजार रूपए पहले लगते हैं। फिर इसमें कमाई वगैरह मिल जाती है अभी? हाँ, 1 बीघे के अंदर ये भाव 45-50 का होता है तो 80-90 हजार रूपए मिल जाते हैं। 80-90 हजार रूपए। देखिए दोस्तों, गोभी के अंदर क्या थोड़ी लागत ज्यादा लगती है क्योंकि इसका बीज वगैरह भी थोड़ा महंगा आता है और दवाई वगैरह भी इसमें थोड़ी छाटनी पड़ती है। और जो देख सकते हैं अभी फूल गोभी की जो क्वालिटी है थोड़ा मीडियम क्वालिटी में है, फूल गोभी देख सकते हैं। और जो बढ़िया क्वालिटी में अभी चली है फूल गोभी 60-70 रुपए किलो तक बिकी है। और वैसा भी है, इस फूल गोभी का आज का बाजार रहा 45 रुपए किलो, ये देख सकते हैं। तो ये आज की फूल गोभी की रेट चली है, तो ये आज की काट रहे फूल गोभी की रेट थी दोस्तों। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बालम खीरा ये देख सकते हैं, ये ज्यादातर क्या पथरी के अंदर और वेट लॉस करने के काम आता है। तो इसको क्या है खाने से, जैसे क्या पथरी वथरी की समस्या होती है तो उसमें भी क्या राहत मिलती है। और अगर किसी का मोटापा ज्यादा है तो इसका सेवन करें तो काफी ज्यादा फायदा मिलता है इससे। तो इसका आज बता देते हैं मैं आपको क्या कुछ रेट चली है। देखिए भैया गाड़ी आई है पिकअप और अभी खाली हो रही है तो बता देता हूँ मैं। ऐसा देखिए बालम की रात चला 20 रुपए किलो का भाव रहा है। और जो अभी आ रही है मंदसौर की आ रही है, अभी एक गाड़ी रही है, अभी एक गाड़ी रही है मंडी के अंदर, ये देख सकते हैं। और अभी हो रही है खाली, तो ये आज के बालम खीरा की रेट चली है, देख सकते हैं। ये कुछ क्वालिटी है भैया। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ आज कद्दू का भाव, ये देख सकते हैं कद्दू की आज की कुछ क्वालिटी रही है भैया। ये थोड़ा कच्चा माल है, इधर देख सकते हैं पका हुआ माल बढ़िया, ये देखिए। तो ये कुछ कद्दू की आज की कंडीशन है और बता देते हैं आज आपको क्या कुछ बात। देखिए भैया 12-13 रुपए किलो का आज का कद्दू का रेट चला है, ये देख सकते हैं ये कुछ क्वालिटी रही है। और जो माल रहा है भैया गुजरात का रहा, देख सकते हैं। तो ये आज का कुछ कद्दू का रेट रहा। ये दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ पालक का भाव, और ये देख सकते हैं पालक की कुछ क्वालिटी रही है, ये देखिए। ये कुछ पालक है अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से है। तो जो आज पालक का भैया भाव चला 20-25 रुपए किलो तक चला, तो बढ़िया माल है, बढ़िया माल में 25 रुपए किलो। जो देख सकते हैं आप थोड़ा 2 नंबर माल है तो 20 रुपए किलो रहा। और ये थोक का भाव है, जो खुला भाव है 40-50 रुपए किलो तक बिका पालक। तो ये आज का पालक का रेट रहा भैया। दोस्तों देखिए आज मैं आपको बता देता हूँ अदरक का भाव, और ये देख सकते हैं ये अदरक की आज की कुछ क्वालिटी रही है। इधर देख लीजिए पत्ता गोभी, और ये देखिए पत्ता गोभी कुछ इस तरह की रही है आज। तो बताएंगे आज आपको अदरक, पत्ता गोभी और नींबू का भाव, ये देखिए नींबू का भाव, ये देखिए ये नींबू की आज की कुछ क्वालिटी रही है। तो बताते हैं आपको भाव आज क्या कुछ रेट रहा। नमस्कार भाव जी। नमस्कार जी। तो भाव जी आज नींबू की क्या पोजीशन है, क्या रेट चल रही है? नींबू अभी क्या है कि सर्दी का मौसम आ गया, कुछ ढीला पड़ गया बाजार, तो 75-80 रुपए किलो का। 75-80 रुपए किलो है, देखिए काफी महंगा है भैया अभी नींबू। 75-80 रुपए किलो थोक का रेट चला है। और जो खुला बेच रहे हैं होलसेल, क्या भाव बेच रहे हैं? वो 100 रुपए किलो बेचेंगे। देखिए 100 रुपए से 120 रुपए किलो तक खुला जो माल बिक रहा है नींबू का, तो ये रेट रहा। और बाबूजी कहाँ का आ रहा है ये नींबू? ये गुजरात से आ रहा है, डीसा से। अच्छा, गुजरात आ रहा है। और इसके अलावा लोकल? लोकल तो क्या नहीं बराबर है, नहीं है ही नहीं लोकल। लोकल बहुत कम होगा होगा। देखिए अभी लोकल कम है और इस वजह से क्या है गुजरात से आ रहा है, इस वजह से क्या थोड़ी रेटे तेज है, किराया भाड़ा वगैरह लग जाता है। तो यहाँ तक आने में क्या किराया लग जाता है बाबूजी? जैसे अगर एक गाड़ी आ रही है तो 4-4.5 रुपए किलो का किराया पड़ता है। 4-4.5 रुपए किलो का पर किराया लगता है। और जो यहाँ तक कितना माल आता है गाड़ी में? ये गाड़ी में तो क्या 100-80 ये क्या पिकअप में आता है। हाँ, 100-80 कार्टून आते हैं। 100 कार्टून 100-80 कार्टून आ रहे हैं पिकअप में।
तो अभी क्या कमी है माल, और इस वजह से थोड़ा रेट भी तेज है। और बाबू जी पत्ता गोभी क्या रेट चलिए? ये पत्ता गोभी 27-28। और ये कौन सी है, कहाँ की है? ये चोमू की है, चोमू चल रही है। और अभी ये सटाना और एमपी वाली, एमपी वाली वो क्या लगभग बंद हो गई है, यही आ रही है। अच्छा अच्छा, ये चोमू की आ रही है भैया, और 27-28 रुपए किलो का इसका कुछ रेट रहा, ये देख सकते हैं। कितना माल है बाबू जी आज पत्ता गोभी में? पत्ता गोभी कम से कम 2-3 क्विंटल आ जाते हैं यहाँ मंडी। अच्छा, और ये देखिए ये है हाइब्रिड टमाटर, सलाद वाले क्या भाव रहे? ये आज तो मंदा हो गया है, 50-55 रुपए किलो का। 50-55 है, कितना माल रहा है इसमें? ये आता है 2-3 क्विंटल आ जाते हैं मंडी में। और कहाँ का रहा भी है? नासिक का, नासिक चल रहा भी है, देख सकते हैं। ये कुछ टमाटर की क्वालिटी है, देख लीजिए। यह तो ये आज के टमाटर का भाव रहा, हाइब्रिड टमाटर। और भाव जी अदरक क्या रेट चल रही है? अदरक अभी महंगी हो गई है, 60 रुपए किलो का आसपास चल रही है। 60 रुपए किलो, देखिए भैया थोक का भाव रहा। बेंगलोर से आती है। अच्छा, और बेंगलोर ही आ रही है बेंगलोर। और जिसमें जो पकी हुई अदरक आती है छिलके वाली, वो कब तक आ जाएगी? ये आजकल क्या वो धोखे भेजते हैं तो छिलका पड़ता ही नहीं। अच्छा, तो फिर भी जैसे अभी जैसे ये तो चल रही है, बाकी सर्दी के टाइम में जैसे अभी दिवाली तक आती है छिलके वाली, तो वो आएगी तो सही ना वैसे? हाँ आएगी ना। अच्छा, तो देखिए वो दिवाली तक आएगी भैया, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें आने में। और अभी जो देख रहे हैं थोड़ी, ये अभी कच्चा माल है। अच्छा, कच्ची अदरक है बिना छिलके वाली, और 60 रुपए किलो चला अभी रेट है, थोड़ी तेज है अदरक की भी। तो ये आज का कुछ भाव रहा। देखिए भैया आज मैं बता देता हूँ टमाटर का भाव, ये कुछ देखिए टमाटर की क्वालिटी है, टमाटर फुल है भाई साहब, आगे मंडी के अंदर देख सकते हैं आप। ये देखिए डेल लगा पड़ा है भाई साहब टमाटर का, गाड़ी हो रही है खाली। तो बता देते हैं आज आपको टमाटर का क्या कुछ रेट रहा, देख सकते हैं आप। ये देखिए, तो चलिए बता देते हैं आज आपको टमाटर का भाव क्या रेट चला। जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। आज का बात तो लुक वगैरह कैसे चेंज कर लिया आपने? बस अब ये थोड़ा हमने सोचा बहुत पुराने हो गए लोग, इसलिए अब वापस देख के तो थोड़ा नया लुक करा, थोड़ा नया लुक। तो देखिए भाई साहब, भाई साहब ने थोड़ा नया लुक किया अभी, थोड़ा साड़ी वगैरह फ्रेंच में रखी है। तो भाई साहब आज बताइए टमाटर की क्या पोजीशन रही है? टमाटर 60-62 रुपए किलो, 60-62 रुपए रहा। और कहाँ का आ रहा भी है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र। कितना माल है आज मंडी में भाई साहब? माल आज कम है, महाराष्ट्र कम है। और बेंगलोर वगैरह? बेंगलोर भी है, बेंगलोर की एक दो गाड़ी है। बेंगलोर अभी क्या भाव चल रहा है? बेंगलोर 5 रुपए ज्यादा, 5 रुपए ज्यादा है। देखिए दोस्तों ये टमाटर कुछ रेट रहा। और भाई साहब अभी टमाटर में थोड़ी रेट वगैरह और तेज होगी क्या, या कम होगा भाव? रेट कम होगी, कम होगी। अभी अभी लोकल कब तक आ जाएगा? लोकल अभी तो यहाँ पूरे पानी भरा पड़ा है, लोकल पहले पानी तो सूखे, अभी दिवाली बाद ही आएगा, मतलब टाइम लगेगा थोड़ा। देखिए अभी लोकल में टाइम लगेगा। और जो अभी टमाटर आ रहा है जो कि बेंगलोर महाराष्ट्र औरंगाबाद इस तरफ का आ रहा, और 60 रुपए किलो से लेकर 65-70 रुपए किलो तक का भाव चला है, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से जोड़ रहा जोड़ रहा। तो ये आज का टमाटर का रेट चला है भैया, और ये देख सकते हैं। तो ये आज का भाव है दोस्तों। आज मैं आपको बता देता हूँ मिर्ची का भाव। और अभी क्या देखिए मिर्ची क्या आगे कम है मंडी में, और इस वजह से क्या रेटें थोड़ी तेज चल रही है मिर्ची की। तो जानते हैं क्या कुछ भाव है और कितनी क्या क्वांटिटी में माल रहा मंडी में। तो ये देख सकते हैं ये थोड़ी मोटी आ रही है मिर्ची, और इधर देखिए ये थोड़ी पतली वाली मिर्ची है, ये देख सकते हैं ये कुछ क्वालिटी रही है। तो बताते हैं आज आपको क्या क्या रेट रही है मिर्ची की, तो जानेंगे आज के वीडियो में क्या कुछ रेट रही है मिर्ची की और कितनी क्या आवक रही है। तो बने रहिएगा वीडियो में, और ये देख ही सकते हैं मिर्ची की कुछ क्वालिटी। ये देखिए भैया मिर्ची, ये पतली वाली मिर्ची आ रही है, ये देख सकते हैं मोटी है मिर्ची। हाँ भैया आज मिर्ची का रेट चली? ये मिर्ची भैया 70 रुपए किलो है, 70 रुपए किलो है। देखिए भैया मिर्ची का भाव थोड़ा तेज है, ये पतली वाली 70, और ये मोटी मिर्ची क्या रेट चली? मोटी 65 रुपए भैया। देखिए भैया मोटी वाली है जो मिर्ची है 65 रुपए किलो रही है, ये कुछ क्वालिटी रही है। तो भैया मिर्ची में तेजी कैसे आज? यहाँ आगे माल ही नहीं है, एमपी मिर्ची खत्म हो चुकी है, और बाकी लोकल अभी पड़ा सोली वगैरह अभी चल रही है, माल कम डिमांड ज्यादा है अभी। अच्छा, और ये मिर्ची आ रही है अभी कहाँ की आ रही है? ये भैया एमपी की है, एमपी चली है। आज कितना माल रहा मंडी में?
आज माल तीन चार गाड़ियां थी, ज्यादा नहीं थी, तीन चार गाड़ी थी भैया। आज कम रहा माल मिर्ची में, और इस वजह से क्या देखिए रेट तेज हुई है, और 70 रुपए किलो तक का भाव रहा, 70 रुपए 60 देख सकते हैं। और ये क्वालिटी है, तो ये आज की मिर्ची की रेट चली है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और जल्द ही मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में।